दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर अगर कोई बिग बॉस को चला रहा है और टीआरपी दे रहा है तो वो है सिद्धार्थ शुक्ला। और ऐसे में दोनों सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि के बीच जो अंदर अंदर फाइट है, यानी कि ये सब हम तो जानते ही हैं कि मतलब जो घर में है वो तो अलग फाइट है ही उनकी, लेकिन जो बाहर से वो लोग दुश्मनी लेके आए हैं, तो दर्शक जानना चाहते हैं आखिरकार सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि के बीच ऐसा क्या हुआ था कि बिग बॉस के घर के अंदर आते ही वो दोनों दुश्मन बन गए। दोस्तों आपको बताते चलें, इस पार्ट में दो जो आंसर आए हैं हमारे सामने कि मतलब ये दुश्मनी की दो वजह हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। आपको बता दें कि जैसा कि आपको पता ही है कि सिद्धार्थ शुक्ला और जो रश्मि देसाई हैं वो दोनों एक टीवी शोज पे काम करते थे जिसका नाम था दिल से दिल तक। वहीं अगर बात करें पहली वो बात की जिसके वजह से इनकी दुश्मनी हुई, तो स्पॉट बॉय के खबर के मुताबिक ये था कि इन दोनों के बीच में छोटी छोटी जो अनबन थी वो स्टार्ट हुई, और छोटी छोटी अनबन कब बड़ी मोड़ ले गई ये टीवी वालों या फिर प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर को भी पता नहीं चला। और हर एक शॉट, हर एक जब भी वो लोग टीवी शोज की शूटिंग करते थे और जो भी कुछ भी थोड़ा बहुत करते थे, हर चीज़ में लड़ाई करने लगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब इन दोनों की लड़ाई जो टीवी के प्रोड्यूसर्स हैं वो नहीं देख पाए, तो इन दोनों की मीटिंग ली गई। और मीटिंग में ये कहा गया कि मतलब प्रोड्यूसर्स की तरफ से कि हम आप दोनों में से किसी को एक को ही रख पाएंगे और एक को नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आप दोनों की लड़ाई जो है वो पूरे कास्ट और क्रू को बदनाम कर रही है। उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा कि आप रश्मि को रख लीजिए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप रश्मि के साथ कंटिन्यू करिए, मैं ही छोड़ देता हूँ शो। तो दोस्तों ये जो बात थी ये सिद्धार्थ शुक्ला ने आगे से रह के करी, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को पसंद किया और कहा गया कि सिद्धार्थ शुक्ला ही शो में रहेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टीआरपी को मतलब टीआरपी हाइक हो रही थी उनके वजह से। तो इसी के वजह से रश्मि जो है उनकी दुश्मन बन गई। और घर के अंदर आपने सुना ही होगा बहुत बार कहा गया है मतलब कि रश्मि के तरफ से कि कौन एहसान कर रहा है, तो सिद्धार्थ शुक्ला ने ये भी कहा है कि हाँ पता है किसने असलियत में एहसान किया है। दोस्तों अगर बात करें दूसरे जो मुद्दे की, तो आपको बता दें कि दूसरी खबरें ये उड़ी थी कि मतलब जो सिद्धार्थ शुक्ला है वो रश्मि को हमेशा कहते थे कि तुम्हें शो से निकालना जाने वाला है, प्रोड्यूसर्स निकालना चाहते हैं, लेकिन मेरी वजह से मतलब कि वो लोग रुके हुए हैं और मेरी बात मान के ही वो लोग नहीं निकाल रहे हैं तुमको। बाद में रश्मि को ये पता चलता है कि सिद्धार्थ शुक्ला ही हैं जो उनको निकलवाना चाहते हैं और वो डबल गेम खेल रहे हैं, और इसके वजह से रश्मि दुश्मन बन जाती हैं सिद्धार्थ शुक्ला की। तो ये जो दो बातें हैं, ये दो बातें हैं जो कि मतलब अभी तक कन्फर्म नहीं हो पाई हैं कि कौन गलत है और कौन सही है। दोस्तों आपका क्या कहना है, आपकी कोई विशेष टिप्पणी इस बारे में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। वहीं रोज के बिग बॉस के अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड बाजार, ताकि आपको हर अपडेट मिले सबसे पहले। धन्यवाद।